आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे पार्ट टू, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैं यहाँ पे आज सिखाऊंगा आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करने के लिए क्या होता है कि इस तरफ के जो होते हैं इनको बोला जाता है अभिकारक, और तीर के इस तरफ को बोला जाता है उत्पाद। तो ये जो अभिकारक होते हैं रिएक्टेंट, और इस तरफ होते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें दोनों तत्वों को गिनना होता है, जिस साइड कम होगा उस साइड हम कुछ मल्टीप्लाई करके इसको बराबर करेंगे। ये नहीं कि हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे, फॉर्मूला को आपको नहीं बदलना है, फॉर्मूला सेम रहेगा। जो भी आपको संतुलित करना होगा वो बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ ही कुछ गुना होना करना होगा। तो जैसे मान लो ये मुझे पहला वाला संतुलित करना है, तो यहाँ पे मैं इस साइड गिनूंगा, तो इस साइड सोडियम एक है और यहाँ पे दो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो, और यहाँ ऑक्सीजन एक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर हम सोडियम को बराबर करने के लिए दो, अगर यहाँ दो लिखते हैं तो ऑक्सीजन अभी बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ दो और यहाँ एक ही है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे दो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ दो लगाने से क्या होगा, फॉर्मूले में चेंज नहीं हुआ, अब ये आपका ऑक्सीजन हो गया डबल, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो परमाणु। अब लेकिन सोडियम के कितने माने जाएंगे यहाँ, तो ये दो था तो दो दुनी चार, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चार। तो अभी इस साइड और इस साइड दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो गया और ये संतुलित हो गया, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पे H2 है, यहाँ O2 है, यहाँ पे H2 तो है लेकिन यहाँ पे O2 था, तो यहाँ O2 है और एक O है, यानी तीन हो रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे दो लगा दूं, क्या लगा दूं यहाँ पे, दो, तो दो लगाने से ये दो और ये दो चार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ना सोल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे O2 हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दो दूनी चार। तो अब बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे दो और लगाना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन दो दूनी चार, ऑक्सीजन दो और ये जुड़कर दो चार, ऐसे अलग अलग होगा, उन्हें भी जोड़ के माना जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, तो दो दो चार, और यहाँ पे ऑक्सीजन दो, और बाहर दो लिखने से इसका भी डबल, तो दो दूनी चार, तो दोनों बराबर हो गया। बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट में मिलाने से बेरियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोराइड बन रहा है, इसे बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करने के लिए क्लोरीन दो हाइड्रोजन दो, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन एक ही है, तो बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे। अब यहाँ पे बेरियम एक SO4 क्लोरीन दो हाइड्रोजन दो, तो यहाँ दो हो गया, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। ऐसे आपका यहाँ पे देखो Fe2 दिख रहा है, तो मैं यहाँ दो गुना कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक ही है, इस साइड एक तीन है और इस साइड दो है, तो यहाँ पे हम दो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तीन दूनी छः, और यहाँ पे तीन गुना करेंगे तो ये भी तीन दूनी छः, तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे। तो पहले ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हम यहाँ पे दो लिख देंगे, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन तीन दूनी छः हो जाएगा, और यहाँ दो ही है तो इसे छः करने के लिए यहाँ तीन गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन कितना है, दो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दो, ठीक है, सॉरी दो नहीं है, यहाँ पे दो है ना, तो दो दूनी चार, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चार, ठीक है। उसके बाद मान लो यहाँ पे सोडियम एक है, तो यहाँ दो है ना, तो हम यहाँ दो लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो उसके अलावा और भी चीजें देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे दो ही है और यहाँ पे दो और एक तीन है, तो यहाँ पे दो लिख देते हैं, चलो, तो दो लिखने से क्या होगा, सोडियम दो, यहाँ भी दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो और दो चार, तो यहाँ पे चार करने के लिए हम दो गुना कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन अब कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन चार और दो छः, और यहाँ पे ऑक्सीजन दो और चार छः, और सल्फर एक एक, बराबर हो गया, ठीक है, सारे बराबर हो गए। ऐसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे है एक, और यहाँ पे कितना है, इसको दो माना जाएगा, तीन हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो ही हो रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन देखो कितना है, यहाँ दो, और यहाँ नाइट्रोजन एक ही है, तो चलो पहले यहाँ दो लगा देते हैं, दो लगाने से ये नाइट्रोजन बराबर हो गया, और यहाँ कैल्शियम एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है,
और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 × 6 और ये 1 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 × 6 और 2 8 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो ये भी आपका 8 हो सकता है। तो 3 × 6 और 2 लगाने से ऑक्सीजन हो गया 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 3 × 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो 8। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 और 2 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और 2 4। कैल्शियम यहाँ 1 यहाँ 1, नाइट्रोजन यहाँ 2 यहाँ भी 2, सारा बैलेंस हो गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे N2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख देना चाहिए हमें, नाइट्रोजन बराबर हो जाए। कॉपर 1 है तो 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 नहीं है, 2 × 3 = 6 है, तो हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 लगाने से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन बराबर, लेकिन यहाँ पे कॉपर अब बराबर नहीं है, यहाँ पे कॉपर 3 है और यहाँ पे कॉपर 1 है, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो आपके कॉपर कॉपर क्या हो गए, 3 3, ऑक्सीजन हो गया 3 3, नाइट्रोजन 2 यहाँ भी नाइट्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 × 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 × 6। तो इस प्रकार से आपका बैलेंस हो गया, और हमने फॉर्मूला चेंज भी नहीं किया है, और ये आपका बैलेंस हो गया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पहला वो पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा पढ़ेंगे हम अपघटन, इसे हम अपघटन या वियोजन या विखंडन या विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे, और हिंदी में हो गया वियोजन या अपघटन, इंग्लिश में हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा पढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा पढ़ेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, तो ये 5 होते हैं। इसके अलावा थोड़े थोड़े और भी होते हैं, जैसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन मुख्य तरह से 5 होते हैं। तो हम पहला पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ
यानी पदार्थ में हो गया तत्व और योगी। तो दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल यानी अकेला पदार्थ बनाते हैं, पदार्थ माने तत्व या योगिक बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक 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 यौगिक बनाते हैं, ठीक है। एक यौगिक वो आपके वो तत्व हो सकता है वो बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया चलती है। तो तुमने पहले भी करा था कि मैग्नीशियम को, जो कि सॉलिड होता है, अगर हम ऑक्सीजन गैस में दहन करें, ठीक है, यानी इनको दहन करें तो ये दोनों संयोजन हो जाते हैं, यानी संयोजित हो जाते हैं और जुड़कर जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और ऊष्मा भी बनती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ एक है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक ही है, तो यहाँ पे दो गुना करेंगे तो ये भी ऑक्सीजन बराबर, फिर मैग्नीशियम दो और यहाँ पे दो करने के लिए दो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग करके, जब हम इसे संयोग करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसके अंदर यानी दो अभिकारक हो गए, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा अभिकारक जिसमें तत्व या यौगिक हो सकते हैं, ये आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी एक उत्पाद बनाते हैं, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए एक और देखते हैं, ये आपका कार्बन है, यानी ये कोयले का रूप है, कोयला या कार्बन बोलते हैं इसे, कोल। अब कोयले को अगर हम ऑक्सीजन में दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैस, तो ये भी दो पदार्थ मिलकर एक बन गया, ये सॉलिड है तो ऐसे लिख दो, तो भी दो पदार्थ मिलकर एक बन गया, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ऐसे अगर हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन दो है, तो यहाँ पे दो लगा देंगे, तो ये भी आपका दो थे तो दो मिलकर एक बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका प्रयोग जो होता है बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, ठीक है, ये बहुत प्रबल अम्ल होता है। उसके बाद इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है वो होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाए, जिसे चूना या अनबुझा, बिना बुझा चूना बोलते हैं। अब इसको तुम जल में मिलाओगे तो जल में मिलाने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें भी देखो दो थे, दो यौगिक मिलकर एक यौगिक बन गया, तो ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। और फिर जब हम ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम इसको दीवार पे सफेदी कर देते हैं तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इससे ये क्रिया करता है, और क्रिया कर ये सॉलिड है तो ऐसे लिख दो अब इससे क्रिया करता है, सॉरी ये जली विलयन है, इसे AQ लिख दो, AQ, इसे भी लिख दो AQ, एक्यूएस सॉल्यूशन, जली विलयन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को कई जने संगमरमर भी बोलते हैं, और इसी का इस्तेमाल जो होता है लोग अपने घरों में जब दिवाली वगैरह कोई त्यौहार आता है तो सफेदी करते हैं, जिससे दीवारों पे कुछ चमक आ जाए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो दीवारों पे चमक लाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कारण ही दीवारों पे चमक आती है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो जलवाष्प बनता है H2O, ठीक है, तो वो गैस बन के उड़ जाता है और दीवारों पे यहाँ पे चमक छोड़ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी
अभिक्रियाएं ऐसी विक्रियाएं जिनमें या जिसमें एक यौगिक विखंडित होकर यानी टूटकर विखंडित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ ऐसी विक्रिया जिसमें एक यौगिक या एक पदार्थ ठीक है विखंडित होकर यानी टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक बनाता है अधिक पदार्थ बनाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाता है ठीक है अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक यौगिक जो होते हैं मतलब एक पदार्थ होता है या एक यौगिक होता है वो टूट जाता है और वो खंडित होकर दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक बनाता है इसी को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो अपघटन अभिक्रिया होती है इसके लिए या तो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है या प्रकाश की पड़ती है या फिर विद्युत की पड़ती है ठीक है विद्युत यानी बिजली ठीक है करंट इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम गर्म करते हो यानी ऊष्मा के द्वारा गर्म करते हो तो ये अपघटन हो जाता है इसका और ये टूटने लगता है और ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना या चूना कहा जाता है इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इसके अंदर हमने ये जो चूना पत्थर था इसको गर्म करते हैं ऊष्मा देकर तो ये खंडित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है क्योंकि इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी तो इसीलिए इसको ऊष्मीय वियोजन भी बोलते हैं या ऊष्मीय अपघटन भी बोलते हैं ठीक है यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में थर्मल ठीक है थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि ऊष्मा के द्वारा एक पदार्थ को गर्म किया जाता है या ऊष्मा दी जाती है तो वो दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है ठीक है। इसमें एक और बढ़िया एग्जांपल होता है आपका फेरस सल्फेट का FeSO4 ये सॉलिड होता है इसे आप परखनली में लेके जब गर्म करते हो तो ये भी ऊष्मा मिलने पर अपघटित हो जाता है यानी अपघटन हो जाता है इसका और ये आपका Fe2O3 ठीक है यानी ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड जो कि भूरा रंग होता है शुरू में इसका जो फेरस सल्फेट पढ़ते हैं इसे फेरस को ही आयरन भी बोलते हैं ठीक है। तो फेरस सल्फेट का हरा रंग होता है तो हरा रंग जब इसे गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है भूरे रंग का और एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस निकलती है ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और इसका फॉर्मूले को पढ़ते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसको गर्म करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो है वो गैस आती है ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि इसका हरा रंग जो होता है वो गायब होकर थोड़ा सा भूरा कलर में बन जाता है ठीक है। उसके बाद तो इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसकी महक बहुत ही बुरी होती है ठीक है। तो सड़े हुए अंडे जैसी महक होती है तो इस वजह से इसको सूंघना नहीं चाहिए ठीक है। तो इस प्रयोग को दूर से करना चाहिए इस पर ध्यान रहे। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं उसमें वियोजन का एक ले लेते हैं लेड नाइट्रेट ठीक है। तो ये आपका हो गया लेड नाइट्रेट। अच्छा इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप दो लगा लेंगे ठीक है। ये लेड नाइट्रेट है अगर हम इसको भी ऊष्मा के द्वारा गर्म करेंगे तो आपका लेड ऑक्साइड बन जाएगा ठीक है
अच्छा, ये लेड नाइट्रेट जो था वो रंगहीन था, और जब इसे गर्म करोगे तो ये आपका लेड मोनोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, लेड मोनोक्साइड। और आपका ये कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है, साथ में आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा, ठीक है। तो ये गैस है तो जी लिख दो, ये गैस है जी लिख दो, ये सोलिड बनेगा एस लिख दो, या पीले रंग का द्रव बनेगा तब भी ए एस ही लिखते हैं, और ये आपका सोलिड था। तो ये भी आपका उष्मा के द्वारा वियोजन हुआ है। तो ये इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये भूरे रंग की गैस होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि विद्युत के द्वारा अपघटन, ठीक है। तो विद्युत का अपघटन सबसे अच्छा एग्जांपल होता है H2O का, ठीक है। H2O यानी एक जल लेंगे, शुद्ध जल, और इसको इसको विद्युत अपघटन से करना पड़ेगा, तो इसे उष्मा देंगे विद्युत अपघटन से। जब तुम विद्युत अपघटन करवाओगे तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगा, इसके लिए पूरा एक प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसके लिए पूरा एक प्रयोग होता है कि ऐसे एक वो जार लेते हैं, ठीक है, बीकर, उसके अंदर दो प्रकनली ऐसे उल्टा लगा देते हैं, और कार्बन की रोड वगैरह इसके अंदर ऐसे लगा देते हैं, कोर्क में ऐसे रख देते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर से ही कार्बन की रोड जो है ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो कार्बन की रोड लगा दे ऐसे प्रकनली को ढकते हुए, कार्बन की जो रोड होती है वो लगा देते हैं, और करंट इसमें ऑन कराते हैं, इसको फिर बैटरी से तार वार से ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ना पानी भर देते हैं, और पानी में थोड़ा बहुत अम्ल मिला देते हैं ताकि ये विद्युत को पास कर सके। शुद्ध जल इसको करंट को पास नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसमें ना थोड़ा सा अम्ल मिलाते हैं। तो अम्ल मिलाने पर क्या होगा कि जैसे करंट ऑन करोगे तो आपके यहाँ पे बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, तो दोनों पे बुलबुले बनेंगे, ठीक है। तो एक माइनस का चार्ज होगा मान लो कहीं, और एक क्या होगा प्लस का चार्ज होगा। तो जो प्लस का चार्ज होगा उसके पास जो रोड होगी उसे एनोड कहते हैं, ठीक है, और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है, आपको याद रखना है। और जो माइनस है उसे हम कैथोड बोलते हैं, और उस पर आपका हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पानी में करंट मिलाते हैं तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग होता है, और प्लस यानी एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। अभी इसको बैलेंस करना बाकी था, ठीक है। तो ऊपर वाले को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चार, यहाँ पे दो, और यहाँ पे दो लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो लगाओगे तो ऑक्सीजन दो और हाइड्रोजन दो दूनी चार, तो यहाँ दो लगा देंगे, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे जल जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, विद्युत अपघटन हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको याद रखना है कि एनोड यानी प्लस पे ऑक्सीजन गैस बनी और हाइड्रोजन। पेपर में पूछता है कि कौन सी गैस का वजन दुगना है, तो हाइड्रोजन गैस का जो वजन है वो ऑक्सीजन की तुलना में दुगना होता है। इसमें जल का ऊपर चढ़ना भी पूछा जाता है, क्या दर्शाता है, इसमें जो जल है वो नीचे आता है, ठीक है। तो एक में दोनों में नीचे आता है जल, जल में नीचे आने का मतलब है इसमें गैस बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों की जांच करने के लिए जलती मोमबत्ती किसी भी प्रकनली के पास जब प्रयोग के बाद ले जाएंगे तो उसमें पोप पोप की आवाज आएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि आपका कैथोड पर जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन बनी है, ठीक है। उसके बाद तो विद्युत अपघटन में एक और एग्जांपल आता है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड लेना है, जिसे साधारण नमक बोलते हैं। इसमें भी जब तुम विद्युत के द्वारा अपघटन कराओगे तो आपका सोडियम और क्लोरीन गैस बनेगी, ठीक है। तो जो क्लोरीन गैस है इसका बहुत ज्यादा चीजों में इस्तेमाल होता है, ऐसी सोडियम का भी होता है, ठीक है। तो आपका एक सोडियम धातु बनेगा, क्लोरीन बनेगा। ये वियोजन किससे हुआ है, उष्मा के विद्युत से हुआ है, इसे विद्युत अपघटन कहते हैं।
ऐसे सूर्य के प्रकाश के द्वारा या प्रकाश ऊर्जा द्वारा भी अपघटन किया जा सकता है। तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जो हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो इसका अपघटन हो जाता है, और इसका अपघटन होने के बाद सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। जो सिल्वर होता है इसे हम चांदी कहते हैं, इसको एजी अर्जेंटम एजी से लिखते हैं, और ये धूसर रंग का होता है या श्वेत रंग का होता है, और शुरू में ये सफ़ेद कलर का था, ठीक है। तो गर्म करने पे ये धूसर रंग का रह जाता है और क्लोरीन जो होता है वो गैस बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सफ़ेद कलर का होता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी जब हम सूर्य के प्रकाश में गर्म करते हैं तो ये आपका सिल्वर अलग जो कि दूसरा कलर का होता है, और ब्रोमीन जो है वो गैस अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किस में हुई है, सूर्य के प्रकाश में। तो हमने पढ़ा था कि अपघटन जो होता है क्या होता है, इसमें एक यौगिक खंडित होकर या एक पदार्थ खंडित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बंट जाता है। तो इसको हम किससे कर सकते हैं, एक ऊष्मा के द्वारा, एक प्रकाश के द्वारा और एक विद्युत के द्वारा। तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ऊष्मा द्वारा था, ऊष्मा द्वारा, ऊष्मा द्वारा, फिर ये था विद्युत द्वारा, और अभी हमने ये दो पढ़ा आखिरी में, तो ये आपका बन गया सूर्य का प्रकाश या प्रकाश के द्वारा। तो ये इतनी आपकी विघटन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें ये भी चीज याद रखनी है कि हमारे शरीर में भी अपघटन अभिक्रिया होती है। शरीर में भोजन का पाचन एक अपघटन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। जैसे जब हम गेहूं, चावल चीजें जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जो स्टार्च होता है वो अपघटित हो जाता है और शरीर में ग्लूकोज बना लेता है या सरल शर्करा बना लेता है, और जो प्रोटीन होता है वो भी अपघटित हो जाता है और वो अमीनो अम्ल बनाता है, और तब हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे तीसरा टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरा तत्व उसका स्थान ले लेता है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, या फिर ऐसे कहते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कम क्रियाशील तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए एक सीरीज होती है, जैसे काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, ठीक है। यहां तक हो गया, फीके पकाता है। फिर यहां पे हो गया हल्दी, कुछ और अजवाइन डालता है, ठीक है। ऐसे अपना याद कर सकते हैं। तो ये जो के है ना, ये आपका ना पोटेशियम होता है, ये ज्यादा क्रियाशील होता है, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। उसके नीचे आपका सोडियम होता है, इसे एनएस लिखते हैं नेट्रियम से,
ये के लिखते हैं पोटेशियम को, ठीक है, केलियम से, नेट्रियम से। सी आपका ना कैल्शियम होता है, फिर ये आपका मैग्नीशियम होता है, फिर आपका एल एल्यूमिनियम होता है, फिर जेडन आपका जिंक होता है, फिर एफ ई आपका आयरन या फेरस बोलते हैं, पी भी आपका लेड होता है, इसे हम सीसा भी कह देते हैं, एच आपका हाइड्रोजन है। ये सारे धातुएं था, हाइड्रोजन यहाँ पर एक गैस है, और क्योंकि इसके गुण धातु और जैसे होते हैं इसलिए इसको यहाँ भी लिखा जाता है। एच जी आपका पारा होता है, इसे मरकरी कहते हैं। सी यू आपका कॉपर होता है, इसे हम तांबा कहते हैं। और ए जी आपका सिल्वर होता है यानी चांदी। ए यू आपका गोल्ड होता है, ठीक है, सोना। इसका नाम होता है ओरम, इसका नाम अर्जेंटम, ठीक है। तो उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन हुआ, नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन सबसे क्रियाशील तत्व है तो ये इन सबको इनके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। ऐसी सोडियम जो है अब अपने नीचे वाले सभी तत्वों को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकता है, क्योंकि सोडियम इन सब नीचे वालों की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम अपने नीचे वालों को उनके यौगिक से विस्थापित कर देगा, लेकिन ये जो मैग्नीशियम है अपने ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने ले लिया CuSO4, इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसका जली विलय लिया है हमने, ये लगभग नीले रंग का होता है। इसके अंदर हम जिंक मिला देंगे जो कि सॉलिड होता है, जिंक के दाने मिला देंगे। तो जिंक मिलाने से आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा, और जल का जो नीला रंग था, जली विलयन का जो नीला रंग था, वो अब आपका रंगहीन सा होने लगेगा, रंगहीन, और आपका कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर जो होता है ये भूरे रंग का होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जिंक था उसने ना कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो जिंक था वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, तो जिंक उसको कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो कॉपर सल्फेट का यौगिक था उसका जो नीला रंग है वो रंगहीन हो जाता है, उसका कारण ये है क्योंकि नया पदार्थ जिंक सल्फेट बनता है, ठीक है। ऐसे अगर हम कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम मिला दें तो मैग्नीशियम भी उससे ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये आपका बना देगा मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी नीला रंग रंगहीन बन जाएगा। ऐसे हम कॉपर सल्फेट में अगर आयरन डाल दें तो आपका आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा, और आयरन सल्फेट का रंग जो होता है वो हरा कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीला रंग क्या होगा, हरा कलर बनेगा। ऐसे ही आपको वो और भी जो होंगे विस्थापन अभिक्रिया उन्हें याद करना है, ठीक है। इसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक ही ज्यादा क्रियाशील तत्व था, उसने अपने से कम वाले को उसके यौगिक से या जली विलयन से विस्थापित कर दिया। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल इसलिए बोला क्योंकि कोई कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक करते हैं हम, नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का दान प्रदान से नए यौगिक बनते हैं उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से सॉरी जिसमें दो यौगिक आयनों की
अदला बदली या आदान प्रदान बोलते हैं, अदला बदली या आदान प्रदान। तो आदान प्रदान से, तो ऐसी विक्रिया इसमें दो यौगिक आयनों की अदला बदली से नए यौगिक बनाते हैं, नए यौगिक या नए पदार्थ बनाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में एग्जाम्पल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, ये जली विलयन है। तो एक प्रणाली में ये लेना है और दूसरे प्रणाली में सोडियम क्लोराइड लेना है, ये भी जली विलयन है। जब इन दोनों को मिलाओगे तो आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, यानी सफेद कलर का अवक्षेप बनेगा, ये सफेद अवक्षेप। तो ये आपका सफेद अवक्षेप सॉलिड बनेगा, बेकार पदार्थ, और सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो इसमें एक अवक्षेप बन रहा है, इसीलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप बनता है, इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो बेरियम क्लोराइड और इसमें हम सोडियम सल्फेट मिलाते हैं, तो बेरियम सल्फेट जो है ये सफेद अवक्षेप बनता है और सोडियम क्लोराइड साधारण नमक बनता है। इसको भी, इसको बेरियम सल्फेट को सफेद अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तो याद रखना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो तत्वों या दो यौगिकों के बीच आयनों की अदला बदली या आदान प्रदान से नए यौगिक बनते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, इसमें याद रखना है कि ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ चला जाता है तो बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इसमें एक एग्जांपल जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसे लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है। तो इसमें जो लेड आयोडाइड है ये पीले कलर का अवक्षेप देता है, ठीक है, ये पीला अवक्षेप बनाता है। बढ़ते हैं आगे, तो उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। देखो उपचयन जो और अपचयन जो होता है इनमें सिर्फ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का या तो योग होता है या ह्रास होता है। तो अगर मान लो ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन, अगर ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन, ऐसे अगर हाइड्रोजन हट जाए तो वो हो गया अपचयन, और अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हो गया अपचयन, ठीक है। तो यही आपका उपचयन अपचयन होता है। तो मैं एक बार और बताता हूँ, उपचयन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर किसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऐसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, कह देंगे उसका उपचयन हो रहा है, ठीक है, उपचयन। या फिर हाइड्रोजन हट रहा हो, ठीक है, या तो हाइड्रोजन हट रहा हो, ठीक है, तो भी कह देंगे। अब देखो ऑक्सीजन का मतलब सिर्फ O से भी हो सकता है और O2 से भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसे हाइड्रोजन मतलब एक परमाणु से भी हो सकता है, दो से भी हो सकता है। तो जब जिसमें हाइड्रोजन हट रहा हो तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर अपचयन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इसमें ना ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो अपचयन यानी रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है, R से। उसके बाद ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का ह्रास, इसको बोलते हैं अपचयन, और हाइड्रोजन का जो जोड़ होता है या योग होता है उसे बोलते हैं अपचयन। तो उपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन हटता है, अपचयन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन हटता है ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों ही साथ साथ हो जाए तो उसको बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया।
अब देखो क्या होता है, ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं उन्हें उपचायक या ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये कई बार पेपर में आता है कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं या उपचायक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं उपचायक या ऑक्सीकारक कहलाते हैं। या फिर वे पदार्थ जो हाइड्रोजन को अलग करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं वे पदार्थ जो हाइड्रोजन का पृथक्करण करते हैं वे उपचायक या ऑक्सीकारक कहलाते हैं। फिर एक होता है आपका ऑक्सीकारक हो गया, दूसरा होता है आपका अपचायक, इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपचायक क्या होता है? तो नंबर एक, ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन देते हैं अपचायक कहलाते हैं, ठीक है, अपचायक कहलाते हैं। या फिर वे पदार्थ जो ऑक्सीजन का पृथक्करण करते हैं यानी ऑक्सीजन को हटाते हैं, कम करते हैं, वे भी अपचायक कहलाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो उसे बोलते हैं आपका रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस मिलाओगे तो कॉपर अलग और H2O जल अलग हो जाता है। इसमें क्या हुआ कि कॉपर जो था इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया, अपचयन, ठीक है। तो इसमें ना कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया कॉपर में, और ऊपर में देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया, जुड़ गया, तो उसका हो गया उपचयन। तो यानी H2 का उपचयन हो गया H2O जल में, ठीक है। तो कह देंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है कॉपर में और हाइड्रोजन गैस का अपउपचयन हुआ है जल में H2O में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसमें एक चीज ये भी सीखनी होती है कि कॉपर ऑक्साइड इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसीलिए कॉपर ऑक्साइड को कहा जाएगा कि ये आपका ऑक्सीकारक है, ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, या फिर उपचायक जो ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, ये इसको ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग कर रहा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे अपचायक है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है जल में, ठीक है, H2O में। ऐसी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो पेपर में आता है कि किसका अपचयन हो रहा है, तो लिख देंगे कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है, और किसका उपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल में उपचयन हो रहा है।
ऑक्सीकारक या उपचायक कौन है, ये जो ऑक्सीजन दे रहा है क्रिया को, तो ये उपचायक हो गया, और ये जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है यानी ले रहा है, तो इसको बोलेंगे अपचायक। अगला टॉपिक है हमारा धातुओं पर उपचयन के क्षतिकारी प्रभाव का संक्षारण कोरोजन के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी धातु जो होती हैं उनका भी उपचयन होता है, यानी धातुएं भी ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और क्रिया करके वो नष्ट होने लगती हैं, यानी उन पर जंग लग जाता है, संक्षारण हो जाता है, उनका कोरोजन हो जाता है। तो उपचयन अभिक्रियाओं को के दो सामान्य प्रभाव होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। पहला है कि धातुओं का संक्षारण होता है, दूसरा है कि भोजन का विकृत गंधित होना, यानी भोजन का खराब जाना, नष्ट हो जाना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। संक्षारण, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं उनकी सतह पर वायु, नमी या रसायन जैसे अम्ल की क्रिया के द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो लोहे पर जंग लगना इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब हम आयरन को ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं कई दिनों तक, तो उस पर जंग लग जाता है, आयरन ऑक्साइड और जल की पपड़ी जम जाती है लाल भूरे कलर की, तो आपकी ऐसे जंग लगना कहते हैं। जंग से बचने के लिए हम ग्रीस कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, मिश्र धातुएं बना सकते हैं, जस्तीकरण कर सकते हैं, यसत वेपर कर सकते हैं, एनोडीकरण कर सकते हैं। एनोडीकरण में ना एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है किसी धातु के ऊपर, जस्तीकरण या यसत लेपन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, मिश्र धातु में दो तीन धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है। ग्रीस करना, पेंट करना, पॉलिश करना, इससे भी कुछ हद तक जंग को रोका जा सकता है। तो पेंट वेंट करने से क्या होता है कि वो जो धातु है और जो हवा नमी है उनके बीच में संपर्क टूट जाता है, जिससे उनका संक्षारण कम होने लगता है। ठीक है, विकृत गंधिता, जब वसा या तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं, इस अभिक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तो जो खाने के जो तेल होते हैं, वसा होते हैं, अगर उनको लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं या फिर छोड़ देते हैं लंबे समय तक, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो सड़ने लगते हैं, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो भोजन को हमें बचाने के लिए वायुरोधी बर्तन में ढक के रखना चाहिए, ठीक है, और बाकी खाने चीज़ें वगैरह सड़े ना, उसके लिए हमें उसे फ्रिज में रखना चाहिए। और जैसे मान लो कोई चिप्स की थैलियाँ हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देना चाहिए ताकि वो सड़े ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ों को बढ़िया से पैक करके रखना चाहिए। और वो और ये भी होता है कि जैसे भोजन होते हैं तो उन्हें थोड़ा प्रकाश से या नमी वाली जगह से थोड़ा दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ उपाय होते हैं जिससे हम चीज़ें, खाने पीने की चीज़ों को सड़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वीडियो आज तक का यहीं रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।